मजलिस सदर और हैदराबाद का रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बल्दी इंतखाबात में पार्टी के इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में चारशंबे को गुलबर्गा पहुंचे। उन्होंने ताजनगर था MSK मिल गेट तक पदयात्रा की और राजदरिंदों से फर्दन मुलाकात की। सदर मजलिस शाम में नेशनल हाई स्कूल सात गुंबद दरगाह रोड पर एक आम जलसे से खिताब करने वाले हैं। बैरिस्टर अवैसी की गुलबर्गा में आमद पर उनका जबरदस्त खैर मकदम किया गया। कारवान के मजलिस रुकने असम्बली कौशल मुहीद्दीन, मजलिसी कारपोरेटर मोहम्मद मिसबाउद्दीन मोहम्मद मुबीन, गुलबर्गे के इंचार्ज मोहम्मद सलीम और दूसरे भी उनके हमराह थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप तमाम से इस वार्ड नंबर एक के तमाम राय दहिंदेगान से, वोटर से, हमारी इज्जतदार माँ और बहनों से गुजारिश करने आया हूँ कि कलबुर्गी के बल्दिया के इंतखाबात में यहां से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब मैनू साहब हैं। मेरी आप तमाम से यह अदबन गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप अपना एक एक वोट पतंग के निशान पर देकर अपनी पार्टी को कामयाब करिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोशिश यही है कि कलबुर्गी में जो बे इंतहा बल्दी मसाइल है, पीने के पानी का मसला है, ड्रेनेज और रोड नाफिस हैं, स्कूल के मसले हैं और सबसे ज्यादा अहम यहां पर आपकी एक सियासी लीडरशिप को पैदा करना है। बरसों आपने मुख्तलिफ सियासी पार्टियों का साथ दिया, उनको आपने बड़े बड़े ओहदों पर कामयाब किया, मगर आज गुलबर्गा में एक बहुत बड़ा फुकदान है, बहुत बड़ी कमी है मुस्लिम अकलियत की एक सियासी आवाज की और एक लीडरशिप की। ये बल्दी इंतखाबात यकीनन आपके तमाम मसाइल को हल करने के लिए भी है और साथ ही साथ आपको जमीनी सतह से ग्रास रूट लेवल पर आपको अपनी लीडरशिप को मजबूत करना है। आपने बरसों कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, मगर आज आप देखते हैं कि कर्नाटका में कांग्रेस के ही MLA बीजेपी में शामिल होकर बीजेपी की हुकूमत बनाने में वो मददगार साबित होते हैं। इसीलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि आप अपने एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। कल तक आपके पास कोई मुतबादिल नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुलबर्गा में आपके दरमियान में है और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि आप तमाम लोग एक अच्छा फैसला लेकर यहां से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब मैनू साहब को कामयाब करेंगे और यहां से इस बल्दी इंतखाबात में कामयाबी इंशाअल्लाह ताला 1.5 साल के अंदर जो असेंबली के इंतखाबात होने जा रहे हैं वो यहां से आपके असेंबली सीट से पहले ही मजलिस ने इस बात का फैसला लिया और आपको इत्तला भी दी कि हमारे उम्मीदवार मजलिस के जनाब इलियास बागवान साहब होंगे। तो आज मरहूम हमारे जो साबिका खायद थे, लीडर थे, उनकी गैर मौजूदगी, उनका खुला, उनका इस दुनिया से चले जाने के बाद मुझे यकीन है कि गुलबर्गे की आवाम उस वैक्यूम को, उस पॉलिटिकल लीडरशिप का जो वैक्यूम है कब्र इस्लाम साहब के इंतकाल के बाद, मुझे यकीन है कि आप एक अच्छा फैसला लेकर अपनी एक आवाज को इस बल्दी इंतखाबात में मजबूत करेंगे मुत्तहिद होकर और फिर असम्बली के इंतखाबात में भी मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुबहाना ताला यहां से एक नया MLA इलियास बागवान शेख को बनाकर आप लोग कर्नाटका की विधानसभा में भी जाएंगे। आज याद रखिए मेरी इस बात को कि हमारे मुल्क की सियासत की तल्ख हकीकत यह है कि जब तक आप अपने वोटों से अपने नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे, आपके मसाइल हल नहीं होंगे, आपके तकालीफ का खात्मा नहीं होगा, आपकी नाइंसाफी का खात्मा नहीं होगा। जमहूरियत आपको इस बात की इजाजत देती है कि आप अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट डालें, अपने पार्टी को कामयाब करिए। कल तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुलबर्गा में नहीं थी, आज गुलबर्गा में आपके दरमियान में है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप यहां पर
मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। आपके जो रोड के पानी का जो मसला है, इंशाअल्लाह ताला मजलिस के कॉरपोरेटर्स को कामयाब करिए। दिन रात मेहनत करके इंशाअल्लाह ताला यहां पर तब्दीली लेकर आएंगे। मेरी आप तमाम से फिर से खास तौर से हमारे नौजवानों से, हमारे बुजुर्गों से और मेरी इज्जतदार माँ और बहनों से गुजारिश है कि आप अपना एक एकॉर्ड का इस्तेमाल करिए पतंग के निशान पर, और एक मुखलिस आदमी जनाब बैनू साहब को कामयाब करिए और अपनी पार्टी को कामयाब करिए। आपका इत्तेहाद, आपकी एक वोट से आपका इत्तेहाद मजबूत हो सकता है। इंशाअल्लाह ताला फिर दोबारा मैं यहां पर आऊंगा और इंशाअल्लाह ताला तफसीली आपसे बात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। फेसबुक पे तो गया जब से।